नवरात्रों की व्रत वाली थाली, इतना सुंदर व्रत का फलहारी खाना क्या क्या है? कुट्टू की पूरी, सामक चावल, पनीर सब्जी, रायता, सलाद, ये क्या है? कोफ्ता, मलाई कोफ्ता, आलू सब्जी, सीताफल सब्जी, ये क्या है? साबुदाना पापड़, पकोड़े, अरबी का अचार, सब कुछ तो पूछ लिए, ये क्या है? साबुदाना खीर। हम आ जाए फलहारी खाने। तो ये बीकानेर में व्रत वाली थाली, जय माता, व्रत का खाना मिल रहा है सर। जय माता। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज है मंडे 15th of April एंड आज से हनी बनी का स्कूल स्टार्ट है। हनी बनी का ईद के जो छुट्टियां चल रही थी, 9 दिन की छुट्टियां, सब आज ऑफिस, स्कूल, सब कुछ ओपन हो रहे। बट हनी बनी का ईद हॉलीडेज एंड स्प्रिंग ब्रेक जो है वो कंबाइन हो गया था, तो उनका 20-22 दिन का छुट्टी हो गया था। तो करीब 20 दिन के बाद आज वो स्कूल जाएंगे, तो जल्दी उठेंगे। आज थोड़ा सा छुट्टियाँ चल रही थी तो लेट उठते, उनके साथ भी हम भी लेट उठते थे। तो अभी 6 बज रहे हैं, मैं उठ के आ गई हूँ। उनके लिए पहले मैं टिफ़िन बना दूँगी। कल रात उन्होंने बोला था उनको पिज़्ज़ा लेके जाना है, तो पिज़्ज़ा बना दूँगी ऐसे ही, थोड़ा बन के साथ में। चीज़ वगैरह लेके आई थी तो बन घर पे था, तो बन के साथ में पिज़्ज़ा बना दूँगी एंड फिर उनको उठाने जाऊँगी। चलिए। सो यहाँ पे मेरे पास बर्गर बंस रखे थे, ऐसा मैं ब्रेड में ही बना के उनको दे देती हूँ, उनको पसंद है बहुत। उसमें बस ये पिज़्ज़ा सॉस बेसिक वाला जो है वो मैं थोड़ा सा स्प्रेड कर देती हूँ, उसके ऊपर मोजरेला चीज़ एंड ऑरिगानो। बस सिंपल सा है, उनको पसंद है तो ऐसा कभी कभी बना देती हूँ तो उनको अच्छा लगता है। तो आज फर्स्ट डे है तो उनको यही डिमांड था कि वो पिज़्ज़ा लेके जाएंगे स्कूल, तो मैंने कहा चलो वही बना देते हैं। एंड इसके ये फर्स्ट ब्रेक के लिए हो जाएगा। सेकेंड ब्रेक के लिए उनके लिए मैं वही कुछ फ्रूट्स एंड ऐसे ही कुछ बाकी मंचिंग का सामान जो है वो दे दूंगी, क्योंकि जब मतलब स्कूल बंद होने से पहले भी ना, स्कूल तो बंद हुआ करीब मार्च 22-23 को, उससे पहले भी पूरा मार्च का महीना जो है उनका एग्ज़ाम चल रहा था ना, तो हाफ डे हो रहा था, मतलब 11:30 बजे तक आ जा रहे थे वो। तो अभी बहुत दिनों के बाद लंबे टाइम के लिए जाएंगे स्कूल, मतलब करीब 1.5 महीने के बाद वो जा रहे हैं कि फुल 3 बजे जाके घर आएंगे, मतलब 2:30 बजे छुट्टी होगा, घर आते आते 3 बजेंगे। तो बस इसमें उसके ऊपर चीज़ एंड ओरिगानो ऐड करूँगी। सबका स्कूल, हनी बनी डैडा भी ऑफिस जाएंगे, बेबो भी जा रही है बाहर छोड़ने इतने दिनों के बाद। आजा चल, आजा। बाय, ऑल द बेस्ट, बाय। जयकार हो जू बंदिया, शेरा वाली मां दे फड़ ले तू पैर, जयकार हो जू बंदिया। पहले दिल विचों कढ़ ले तू वैर, जयकार हो जू बंदिया। शेरा वाली मां दे फड़ ले तू पैर, जयकार हो जू बंदिया। Yeah!
हनी बनी स्कूल जाने के बाद पूजा वगैरह मेरा हो गया है, काफी टाइम हो गया, मैंने लंच भी बना लिया है उनके लिए, खिचड़ी बना लिया है सिंपल सा। अभी बस मैं सामान निकाल के बैठी थी एक्चुअली, वो जो कन्या पूजन के लिए थोड़ा बहुत कुछ सामान लिया है, बाकी राहुल भाई इंडिया गए थे तो उनके हाथों मैंने इंडिया से कुछ ऑर्डर किया था तो वो लेके आए थे, तो 4-5 दिन हो गए उन्होंने मुझे दिया था बट अभी तक मैंने ओपन नहीं किया था, तो वही सब मैं फैला के बैठी हूँ अभी रखूंगी। एक्चुअली कल है अष्टमी, जब जिस दिन आप ब्लॉग देख रहे होगे, एंड आप सबको अशोका अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, एंड मेरे पापा का बर्थडे भी अशोका अष्टमी को होता है इसलिए उनका नाम अशोक रखा गया था, एंड पापा का और भाई का दोनों का ही बर्थडे तिथि के हिसाब से अशोका अष्टमी वाले दिन ही है, बट भाई का डेट के हिसाब से 17th of April है, तो इस बार उसका बर्थडे डेट के हिसाब से रामनवमी वाले दिन आ रहा है 17th को वेंसडे को, एंड तिथि के हिसाब से अशोकाष्टमी वाले दिन है, तो पूरा पास पास इस बार है। तो कन्या पूजन में मोस्टली नवरात्रों के जो कन्या पूजन में अष्टमी वाले दिन ही करती हूँ, तो कल मैंने सोचा है अष्टमी वाले दिन करने के लिए, बट हमेशा मैं घर पे बुला के कन्याओं का घर पे ही पूजा करती हूँ ना, इस बार एक्चुअली बिल्डिंग के मतलब एक तो मायरू माही ये चले गए हैं, बाकी कुछ कुछ बिल्डिंग के फ्लैट्स उन्होंने कुछ कुछ लोगों ने खाली भी किए हैं, तो मुझे इतना पता नहीं कि 9 कन्याएं होंगी नहीं होंगी, प्लस भाभी को भी कन्या पूजन करना है, आंटी जी को भी कन्या पूजन करना है, तो सभी लोग हम लोग एक साथ यहाँ पे मेरे घर पे ही करते थे, बट इस बार मैंने सोचा कि लास्ट टाइम जैसे हम लोग घर पे भी किए थे, हम लोग मंदिर भी गए थे, मंदिर में बहुत सारी कन्याएं थी, तो मोस्टली अष्टमी नवमी वाले दिन वहाँ पे कन्याएं हो। पता नहीं कल ना बारिश का बहुत मतलब प्रेडिक्शन है कि कल बहुत ज़्यादा बारिश होने वाला है, आज से इनफैक्ट पूरा अंधेरा होके रखा है, आज परसों कम है कल बहुत ज़्यादा बारिश है, तो बारिश देख के अगर कल बारिश हुआ तो फिर मैं नवमी वाले दिन कन्या पूजन करूंगी, अगर बारिश मतलब सुबह ठीक लगा वेदर तो कल ही अष्टमी वाले हम लोग कन्या पूजन करेंगे, तो वही कन्याओं के लिए जो भोग तो बनेगा पूरी छोले हलवा और उसके साथ में फ्रूट्स वगैरह रहेगा, साथ में एक एक ये मैं लेके आई हूँ बॉटल सिपर, ये ग्लास का सिपर है, ये सारे पैक्ड है, अब मैं खोल नहीं रही हूँ, एक साथ जब मैं पैक करूंगी तब करूंगी, तो इस टाइप के सिपर्स लेके आई, 10 लेके आई थी मैं कन्याओं के लिए, बाकी उस दिन वो जो डे टू डे गए थे ना डे टू डे से मैंने एक ये लिया है कढ़ाई वॉक लिया है, एक्चुअली भाई ने एक ऐसा लिया, कितना बड़ा है देखिए ये भाई ने एक ऐसा लिया, क्योंकि वो चाउमीन बहुत अच्छा बनाता है भाई, तो उसको एक ऐसा वॉक टाइप का चाहिए था जिसको ऐसे ऐसे करके बना, वो दुकान में भी ऐसे ऐसे करके देख रहा है कि हाँ बन पाएगा कि नहीं, तो वो लेके आया, मेरा तो थोड़ा लालची हुए बर्तन वगैरह किचन का सामान को लेके, तो मेरा मन हुआ कि मैं भी लेती हूँ एक, तो मैंने ये लिया है काफी बड़ा, इसमें कुछ भी ऐसे भुनोगे ना, ऐसे ड्राई सब्जी आलू गोभी हो गया ऐसे कुछ ड्राई सब्जी बनाओगे ना ऐसे भुन के बहुत अच्छा बनेगा, क्योंकि काफी चौड़ा ही है, काफी चौड़ा एल्यूमिनियम का है एंड 18 dirhams का है, हमें डे टू डे में ये मिला एंड काफी अच्छा हैवी मटेरियल है, तो ये एक लिया है मैंने, एक मैंने ये वो स्टैंडर्ड टाइप का लिया है, इसमें जैसे कुछ भी जैसे फ्राई करते हो ना तो फ्राई करके टिश्यू में रख देने से थोड़े टाइम में वो सॉगी हो जाता है, मतलब वो करारा नहीं रहता है, तो फ्रेंच फ्राइज वगैरह से घर पे कभी बनाते हो तो इसके ऊपर रख दो तो ऑयल भी निकल जाएगा एंड वो करारा भी रहता है, तो बस ये मैंने 2 लिया था उस मतलब ये कन्या पूजन का सामान, ये फैब्रिक सॉफ्टनर जो डिटर्जेंट के साथ में ऐड करते हैं, तो ये मुझे ऊद फ्लेवर का, मुझे ऊद का फ्लेवर बहुत पसंद है, तो ऊद फ्लेवर का मिला तो ये मैंने लिया था, बाकी राहुल भाई के हाथों जो मैंने सामान मंगवाया था सबसे पहला तो, एंड ये चिप्स वगैरह भी लिया है, वही कन्या पूजन का जो पैकेट बनाएंगे ना उसमें वो बॉटल चिप्स एंड प्रसाद फ्रूट्स वो सब ऐड कर देंगे, बाकी इंडिया से एक मैंने ये बेल मंगवाया था जो मंदिर हमारा बन रहा है, पता नहीं कब वो डिलीवर करेंगे, उन्होंने बोला था 15 तारीख के बाद, तो इंडिया से मैंने एक बेल मंगवाया था बट इतना अच्छा नहीं आया ये देखिए, मतलब इसका पेंट ना वो मीना काम जो है ना वो मोस्टली निकला हुआ है, वही होता है डिफरेंस आप डायरेक्ट खरीदो और ऑनलाइन ऑर्डर करो, कभी कभी तो अच्छा सामान आ जाता है कभी कभी इतना अच्छा नहीं, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ये हो रखा है, इसीलिए जीत मुझे बोल रहा है इस बार मैं जो मंदिर में मतलब हम लोग जो मंदिर लेके आ रहे हैं ना नया मंदिर उसमें मैं मोस्टली मूर्ति रखूंगी,
तो जीत ने बोला था कि मूर्ति भी इंडिया से ऑर्डर कर दे, राहुल भैया ले आएंगे। बट मैंने बोला नहीं, मूर्ति मैं ऑर्डर नहीं करूँगी, ऑनलाइन एक फोटो वो दिखाएंगे, आते टाइम पता नहीं कैसा मूर्त आएगा, वो फेस कैसा आएगा, मुझे नहीं चाहिए, मैं यहीं से ही लूंगी यहाँ पे। हाँ एक्सपेंसिव आता है बट मिलता है सब कुछ, तो मैंने कहा भले एक्सपेंसिव आए मैं यहीं से ही लूंगी मूर्ति। बेल एक मैंने ऐसे ही मंगवाया था बट देखूंगी मंदिर में अगर अच्छा और बेल मिलेगा तो ये लूंगी, वरना इसको लगाऊंगी, बट ये मुझे इतना पसंद नहीं आया, तो ये उसका वो है। तो ये हो गया, बेल मंगवाया था। एक मैंने बेडशीट ऑर्डर किया था, एक बार मुझे आंटी ने राजस्थानी प्रिंट का, राजस्थानी वो कोटा से लेके आए थे, आंटी जब कोटा जाते उनके घर पे, तो वो कोटा से एक बेडशीट लेके आए थे कॉटन का, इतना अच्छा बेडशीट ना, उसके बाद से मैं बार बार उसको यूज करती हूँ। तो मैंने राहुल भाई के हाथों से वही एक राजस्थानी वही बेडशीट ऑर्डर किया है, मैं देखूंगी ऑनलाइन वही सेम मटेरियल आ रहा है कि नहीं, ये तो 100% कॉटन लिखा है, यूज करके देखेंगे तो पता चल, उसका मैं फोटो यहाँ पे लगा दूंगी। और ओपन नहीं कर रही हूँ, तू कहाँ खेलने लगी इसमें, बेल में खेलने लगी, बेबो के गले में डाल देती हूँ, टंग टंग होता रहेगा। एक मैंने ये ऐसे ड्रेस मंगवाया, ये एक ऐसे में ऑर्डर करी तो ये एक मुझे दिखा अच्छा लगा, मुझे ऐसा मेरे पास ऐसा बैगनी कलर का ड्रेस नहीं था, तो मैंने एक ऑर्डर किया, यहाँ पे मैं फोटो लगा दूंगी तो पहन के पता चलेगा कि कैसा आया है क्या नहीं। और एक मैंने साड़ी ऑर्डर किया, एक्चुअली साड़ी वही ऑनलाइन कुछ और दिख रहा था, आया कुछ और, कलर कुछ और दिख रहा था, एंड उसका मटेरियल भी शिफॉन लिखा था बट आया कुछ। एंड वैसे आप लोग अगर इंडिया में ऑर्डर कर रहे हो तो आप एक्सचेंज भी कर सकते हो, इमीडिएटली देख के एक्सचेंज कर सकते हो, बट अब तो ये आ गया, इतना टाइम हो गया, अब ये एक्सचेंज भी नहीं हो सकता। ये साड़ी मैंने इसीलिए ऑर्डर किया था, इसमें ना ये नीचे का जो बॉर्डर है ना, इसमें लिखा है सदा सुहागन भव, तो इसीलिए मैंने इस ये बॉर्डर के लिए मैंने ये साड़ी ऑर्डर किया था। इसको मैं पहनूंगी, डेफिनेटली पहनूंगा, कभी सावित्री में या करवा चौथ में पहनूंगी, बट इसका ये कलर इतना अच्छा नहीं है एंड इसका ये मटेरियल भी अच्छा नहीं है, जैसे पता नहीं मुझे साड़ी का इतना नॉलेज नहीं है, जैसे जॉर्जेट टाइप का शायद है कुछ, बट उसमें लिखा था कि शिफॉन का आएगा एंड इसमें, तो मुझे शिफॉन साड़ियाँ बहुत पसंद है, लाइट होती है, अच्छा होता है कैरी करने में, तो शिफॉन लिखा था एंड ये बॉर्डर खाली रहेगा उसमें, बट ये आया ऐसा है, ठीक है। कभी कभी ये तो चिप्स, राहुल भैया जब अजमेर जाते हैं, उनका घर अजमेर, राहुल भैया गौरी भाभी दोनों का घर अजमेर में है, तो अजमेर से ये चिप्स, अजमेर का कचौड़ा वो हमेशा लेके आते हैं, उसमें माउथ फ्रेशनर बहुत सारा, इस बार तो हमें कचौड़ा नहीं लिया क्योंकि व्रत चल रहे ख़राब हो जाएगा, तो ये चिप्स वगैरह उन्होंने ही दिया है। बाकी एक टी शर्ट में टॉप में लास्ट टाइम लेके आए थे इंडिया जब गई थी, वो टॉप मुझे बहुत पसंद, उसका फिटिंग वगैरह सब बहुत पसंद, उसका मैंने एक और कलर, एक दो कलर मैंने ऑर्डर किया था एक्स्ट्रा, बाकी और कुछ नहीं था, यही मैंने ऑर्डर किया था। ये जो ये आप देख रहे हो कैम्फर डिफ्यूज़र, ये मेरे पास ऑलरेडी है ना, जहाँ पे मैं वो कपूर जलाती हूँ, मैं नॉर्मल डेज में भी जलाती हूँ, जैसे शाम को हम लोग आरती करते हैं ना, तो कपूर जलाने से ना वो छोटे छोटे काले काले वो निकलते हैं ना, तो घर भी काला होता है, सारे सॉफ्ट टॉयज हमारे पूरा वो आरती करके काले हो गए थे, एंड अभी तो हमारा सोफा भी सारा बेज कलर का है, तो मैंने वो कपूर जलाना बंद कर दिया, मैंने हम लोग नॉर्मल दिए से आरती करते हैं एंड साइड में ये कपूर ऐसे डिफ्यूज़र में जला देते ताकि कपूर की जो फ्रेग्रेंस है वो अच्छे से घर पर आए। तो मेरे पास एक था बट गौरी भाभी ने ये अपने लिए ऑर्डर किया था एंड एक्स्ट्रा एक ऑर्डर किया था, तो इन्होंने मुझे दिया, एंड जिस दिन उन्होंने ये मुझे दिया ना, उसी दिन मेरा वो जो पहले वाला जा था उसका स्विच खराब हो गया, पता नहीं कैसे उसी दिन ही सुबह खराब हुआ उसका स्विच, वो ठीक हो सकता है बट मैंने और देखा नहीं था, वो खराब हो गया था और शाम को मुझे गौरी भाभी ने ये दिया, तो मैंने उसको इमिडिएटली इसमें नहीं यूज में रख दिया, तो इसमें लाइट भी जलता है एंड मतलब एक क्या बेड लैम्प की तरह भी काम करेगा, एंड शाम को या सुबह को कपूर की फ्रेग्रेंस घर में बहुत पसंद है मुझे, एंड प्लस पॉजिटिव वाइब आता है घर में, तो मैं शाम को कपूर इसमें जलाती हूँ एंड रात को नॉर्मली आप बेड लैम्प की तरह भी यूज़ कर सकते हो, मैं तो यूज़ नहीं करती हूँ बट हम बस कपूर जलाने में यूज़ करती हूँ। तो बस यही है हमारी इंडिया से कुछ कुछ सामान मैंने ऑर्डर किया था एंड ये हो गया कन्या पूजन का, तो चलिए गाइस ये सब मैं अब उसकी जगह पर रख देती हूँ, हनी बनी को फिर लेने भी जाना है, अभी आज से वही स्टार्ट है, फिर शाम को उनको स्विमिंग क्लास भी लेके जाना है, एंड निशा यहाँ पे हनी बनी को अरबिक पढ़ाती थी, मायरू की जो मम्मी है ना वो अरबिक पढ़ाती थी हनी बनी को, क्योंकि वो बॉर्न एंड बॉटम दुबई है तो उसके पेरेंट्स वगैरह सब यहीं पे रहते हैं, तो उसको अरबिक अच्छे से आता, तो वो अरबिक पढ़ाती थी हनी बनी को, अब वो चली गई तो हमने और एक टीचर ढूंढा है,
देखते हैं कब से वो स्टार्ट करना है, मोस्टली नवरात्र के बाद ही स्टार्ट करेंगे हम। स्कूल तो आज ही स्टार्ट हुआ तो नवरात्र के बाद ही हम लोग स्टार्ट करेंगे वो ट्यूशन। और एक चीज़ मैं आपको दिखा रही हूँ, एक साड़ी है। एक्चुअली उस दिन आंटी आए थे थर्ड डे नवरात्र के पूजा में, तो वो कुछ कुछ लेके आए थे माता की चुन्नी हनी बनी के लिए कुछ इस टाइप का। एंड उसके बाद जो फिफ्थ डे पे जिस दिन आए थे पूजा, जब जिस दिन सब लोग आए थे, तो एक वो पैकेट लेके आए, उन्होंने वहीं पर रख दिया। मुझे लगा माता रानी के लिए फ्रूट्स वगैरह लेके आए होंगे, तो मैंने भी वहीं पर साइड में, मैंने और देखा भी नहीं था। तो नेक्स्ट डे जब मैं मतलब मंदिर क्लीन करने वाली थी, तो मैंने नीचे फ्रूट्स वगैरह ऊपर रख देती हूँ, देखा तो उसमें फ्रूट्स नहीं था, उसमें था एक साड़ी। तो फिर मैंने आंटी को फोन में पूछा, मैंने कहा आंटी ये साड़ी किसका है? मैंने कहा बेटा तेरे लिए है। उनका क्यों? उनका नहीं मैं, मुझे अच्छा लगा तो मेरे लिए एक पूरा सिल्क का एक साड़ी लेके आई है। देखिए कलर कितना अच्छा है, बहुत ही अच्छा है ये। उसका आई थिंक पल्लू, ये बॉडी उसका ये कलर है, ये कलर बॉडी है या पता नहीं क्या है। हाफ हाफ है ये, मतलब ऑरेंज हाफ है, ये ग्रीन हाफ है, पता नहीं कैसा है, तो खोलने के बाद पता चलेगा। मैं उसको खोल नहीं रही हूँ अभी, जब मैं इसका ब्लाउज वगैरह सिलाऊंगी तभी उसी टाइम पे मैं उसका मैं इसको पूरा खोलूंगी, अभी मैं रख देती हूँ। बहुत ही अच्छा, थैंक यू सो मच आंटी जी। तो मैंने उनको बताया क्यों भेजा ऐसा, क्यों दिया, अगर तुम लोग इतना प्यार करते हो, मुझे अच्छा लगता है इस तरह का। तो ये साड़ी है, इसको मैं देखती हूँ, अगर अभी जो फेस्टिवल्स भी आएंगे ना सब, तब उसी टाइम पे एक बार किसी फेस्टिवल में सिला के ज़रूर पहनूंगी साड़ी। अच्छा लगा मुझे ये, पूरा सिल्क का साड़ी है। बबल्स डू बबल्स, टीचर कमिंग डू बबल्स। सो हनी बनी को लेके आ गई हूँ अभी मैं स्विमिंग क्लास। अभी उनका टाइमिंग थोड़ा सा मुझे चेंज करना पड़ेगा क्योंकि अभी स्कूल ओपन हो गए ना, छुट्टियाँ चल रही थी तो चल रहा था, जल्दी आ रहे थे, बट टाइमिंग अभी थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, तो वही मैंने बात किया है। इतना छोटा बच्चा आया है देखिए स्विमिंग सीखने के लिए, आई थिंक 6-7 महीने का ही होगा। जितने छोटे से एज में आप स्विमिंग सीख जाओगे ना उतना अच्छा, जितने बड़े होते जाओगे उतना डर बैठ जाता है मन में, तो इसीलिए मोस्टली बच्चे बिल्कुल छोटे छोटे बच्चों को सिखा देते हैं, 1-2 साल के बच्चों को स्विमिंग सिखा देते हैं, डर नहीं होता उनका ना कि क्या हो जाएगा कुछ होगा उनके मन में। जितने बड़े, सबसे ज़्यादा तो बड़े लोगों को डर लगता है कि हाँ कुछ डूब जाएंगे, कुछ हो जाएगा। हनी बनी का तो हमने फिर भी लेट कर दिया, बट अभी हो जाएगा, 7 साल के एज में वो सीख जाएंगे तो अच्छा रहेगा। सुबह जो प्रेडिक्शन आया था कि आज रात से आंधी तूफान बारिश शुरू हो जाएगा, वही स्टार्ट हो गया है। चलो हम लोग जैसे तैसे करके क्लास से बाहर आ गए, चलो घर चलते हैं। या है विली, टुमारो इज गोइंग टू गो। बारिश की वजह से पूरा जैम लग गया है। करामा तो स्पेशली बहुत ज़्यादा वो रश हो जाता है, सभी लोग निकल जाते हैं घर के लिए बारिश के चक्कर में। भी हाई अलर्ट भी आ गया है 2 दिन का कि बहुत ज़्यादा बारिश तूफान ये सब होने वाला है। जय माता दी। तो शाम की आरती मेरी हो गई है, आप सब भी आरती ले लीजिए। माता रानी आप सबकी मनोकामनाएं पूरी करें, आप सब हमेशा खुश रहिए, हेल्दी रहिए, मुस्कुराते रहिए। तो बस ये सप्तमी की शाम की पूजा हो गई है, कल अष्टमी है, आप सबको अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पेंड करती हूँ, मिलती हूँ आपसे मैं अष्टमी वाले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, बाय गाइज़।